अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ फ्रॉम सिन बोर्ड न्यू बुक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम हमें क्या बताता है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जो सेल होता है वो फंक्शन यूनिट है लाइफ का, राइट। यानी कि अगर आपको कहीं सेल नज़र आता है तो वो लाइफ है, ठीक है, और अगर सेल नज़र नहीं आता तो वो लिविंग थिंग नहीं है, राइट। ऐसे ही पढ़ा था अभी तक हमने कि सेल जो है हर लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर बनाता है, और जहाँ जहाँ सेल नज़र आ रहा है वो एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर सेल नहीं मौजूद और फिर भी वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, हम उसको एक लाइफ कहते हैं, राइट। ए, जहाँ जहाँ ए वर्ड आ जाता है, ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट। सेलुलर मतलब हुआ सेल, यानी एब्सेंस ऑफ सेल है, और चीज़ क्या है, लिविंग थिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग है लेकिन उसमें सेल नहीं है, वो है बच्चों वायरस, ठीक है। तो हम वायरस के पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जो नाम है वायरस का वो एक लातिनी जबान, लैटिन वर्ड, लातिनी जबान के अल्फाज वेनम से निकला है। अच्छा, वेनम का मतलब होता है, लातिनी जबान का वर्ड वेनम का मतलब होता है कोई स्लाइमी सी चीज़, लिक्विड टाइप की चीज़ जो पॉइजनस हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट को कोई ऐसी चीज़ मिली जो उन्हें पॉइजनस लगी, तो उन्होंने उस चीज़ को नाम दे दिया वेनम से वर्ड निकाल कर वायरस का, राइट। अच्छा, अब वायरस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सेल नहीं होता, तो वायरस जो है करेक्टरिस्टिक्स देता है लिविंग थिंग की भी और नॉन लिविंग थिंग की भी। यानी कि जो एक लिविंग थिंग की एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग की टेबल, चेयर और मोबाइल, वट एवर, राइट। तो वायरस ऐसी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स के भी करेक्टरिस्टिक्स देगा और नॉन लिविंग थिंग के भी करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, राइट। तो पहले हम लिविंग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और फिर नॉन लिविंग पढ़ेंगे। अच्छा, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि लिविंग करेक्टरिस्टिक्स लिखें 5 या नॉन लिविंग लिखें 5, तो आपको आनी चाहिए। अच्छा, सबसे जो मेन लिविंग करेक्टर है ना वायरस का, वो है रेप्लिकेशन। यानी वायरस करता है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि नंबर में इंक्रीज करना, राइट। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है कि वायरस के पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। अब चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन होता है कुछ वायरसेस के पास डीएनए होता है एंड अदर्स हैव आरएनए, लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता है। हालांकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ना रेप्लिकेशन होती है ना अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये दोनों हो गए ना लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। फिर करेक्टरिस्टिक आता है म्यूटेशन का। वायरस म्यूटेशन, वायरस के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, राइट। अच्छा, अब हम कहते हैं डीएनए है तो डीएनए की ख़ास सीक्वेंस होगी। अगर उस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, एनी चेंज इन योर डीएनए सीक्वेंस इज़ व्हाट वी कॉल म्यूटेशन। तो जब डीएनए है तो उसकी सीक्वेंस में चेंज आएगा तो वी कॉल इट म्यूटेशन, और म्यूटेशन वायरस इसमें होती है। इसके अलावा वायरस के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, राइट। किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर ना इंजाइम्स होते हैं और ना ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद वायरस जिस होस्ट को जाकर इन्फेक्ट करता है ना, जिसको जाकर नुकसान पहुंचाता है, उसकी बॉडी के साथ जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली इंटरेक्शन कर रहा होता है। तो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर हुआ। इसके बाद जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं वो वायरस को हार्म कर सकती है। जबकि एक चेयर, एक मोबाइल फ़ोन, एक जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अल्ट्रावायलेट वेव्स से हार्म नहीं होती। उसके बाद इसलिए इन सारे करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम कहते हैं कि वायरस इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पेरासाइट है। अच्छा, अब ये ज़रा नाम थोड़ा सा बड़ा आ गया, लेकिन ये आपसे दिस इज़ व्हाट दे आस्क इन एमसीक्यूज, राइट। पेरासाइट कौन होते हैं आपको पता होगा कि जो जाके अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं और होस्ट से अपना खाना लेते हैं, पता है ना ये बात। उसके बाद ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजिम, ठीक है, और इंट्रासेलुलर का मतलब है कि ये उसी वक्त जो है ज़िंदा होंगे, उसी वक्त लिविंग एक्ट करेंगे जब ये किसी सेल के अंदर मौजूद होंगे। तो इसको हम वायरस को हम कहते हैं या तो ये ए सेलुलर है और ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी अपने
होस्ट के अंदर, ये पैरासाइट हैं तो अपने होस्ट के अंदर, अब जिसको जाके ये इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जाकर ये ज़िंदा कहलाएंगे, राइट। तो ये वायरस के लिविंग करेक्टर्स हैं जो आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अब हम वायरस के कुछ नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे मेन जो लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का वो ये है कि कुछ ख़ास अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ ख़ास टाइम पीरियड के लिए वायरस इनएक्टिव हो जाता है और लगता ही नहीं है कि ये लिविंग थिंग होगा कभी, राइट। तो वायरस के जो इनएक्टिविटी होने का करेक्टरिस्टिक है वो हमें बताता है कि वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा वायरस के अंदर ना कोई सेल है और ना कोई सेलुलर ऑर्गेनेल है, तो किसी जिसके अंदर सेल नहीं होता तो हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद वायरस ना अपना मेटाबॉलिज्म यानी कि अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकता है, ना खुद ये जनरेट कर सकता है अपने लिए एनर्जी, तो दिस इज़ वाई वी कॉल देम नॉन लिविंग। इसके बाद वायरस को हम क्रिस्टलाइज करके यानी उसके क्रिस्टल्स बनाकर और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। कभी आपने देखा है किसी लिविंग थिंग को हम स्टोर कर पा रहे हो? नो, वी बट वी कैन स्टोर वायरस, तो दिस इज़ अ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। उसके बाद ना वायरस में रेस्पिरेशन होती है ना एक्सक्रीशन होती है, ये पता है आपको, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी, रेस्पिरेशन का भी आपको पता है, ब्रीथिंग वगैरह, ना मूवमेंट होती है वायरस में। तो जब ये तीनों चीज़ें ही नहीं होती हैं तो हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो अब ये क्या कंक्लूजन आई, जैसे इसकी कंक्लूजन आई थी कि ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसकी कंक्लूजन ये आई कि वायरस नॉन लिविंग होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होते हैं जब सेल के आउट बाहर हों, राइट। जब होस्ट सेल के बाहर होंगे वायरस तो वो नॉन लिविंग कहलाएंगे, और जब होस्ट सेल के अंदर होंगे तो वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। समझ में आया? तो आपको नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी लिखने आने चाहिए वायरस के और लिविंग कैरेक्टर्स भी लिखने आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ अनाउंस भी करना था कि हम फर्स्ट ईयर के लिए हम बैच वन अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो 2023 से 2024 तक चलेगा, और इसमें बायोलॉजी का बैच है यानी कि बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको फर्स्ट ईयर की। एज़ यू नो कि आपके जो न्यू बुक आई है उसके इतने लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और ड्यू टू सम रीजंस मैं भी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए हम एक बैच निकाल रहे हैं, ठीक है। हम बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आपको फीचर्स बता देती हूँ और इसकी मज़ीद डिटेल्स बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों, इसमें आपको पूरे चैप्टर आपकी जो पूरी बुक है ना, कि बहुत प्यारे से बने हुए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और ऐसा नहीं कि लेक्चर्स एक ही बार दे दिए तो तुम करो ना करो, ऐसा नहीं होगा। रोज़ की मैं यहाँ से खुद सुपरवाइज करूँगी और ध्यान से रोज़ के लेक्चर्स आपकी ड्राइव के, बेसिकली हम एक ड्राइव का लिंक बनाएंगे और उस पर रोज़ के लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। आपने क्या करना होगा, सिंपल सा काम, सारी मेहनत हमारी है, आपने जाना होगा लेक्चर को प्यार से देखना है आराम से, और उसके बाद उसके वहीं पर उसको देखते हुए उसके नोट्स बना लेने हैं और उसी दिन उसको याद कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए और फिर उसी दिन उसको याद कर लिया, ठीक हो गए बच्चों। तो इस तरह से आपकी पूरा एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वन फर्स्ट चैप्टर के लिए तीनों चीज़ें कर ली तो आपका चैप्टर नंबर वन रेडी हो गया, और फिर वीक के एंड में, वीकेंड पर हम उसका टेस्ट रख दिया करेंगे। अच्छा, ये टेस्ट सिर्फ एमसीक्यूज़ का नहीं होगा बल्कि ये टेस्ट आपकी थ्योरी का भी होगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ का हम डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे और थ्योरी का भी हम डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बहुत जल्द, जब आप ज्वाइन करेंगे तो बता दूंगी। इसके अलावा क्वेरी, आपके इतने सारे सवाल होते हैं जो आप यूट्यूब पे पूछते हो तो मैं जवाब नहीं दे पाती, या किसी टीचर से भी यूट्यूब पे पूछते हो तो वो जवाब नहीं दे पाता, ठीक है, तो उसके क्वेरी सेशंस रखे जाएंगे बाकायदा। इसके अलावा हर चैप्टर आपका सॉल्व हो गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी के लिए 10 ईयर बहुत मैटर करती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आपके एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। लाइक आपने चैप्टर नंबर वन पढ़ा, उसके लेक्चर सुने, मतलब पूरा आपका एक वीक लगा, दो दो लेक्चर भी अगर मैंने रोज़ डाले ड्राइव पे तो आपने जाके वो देखे, उनको याद किया आराम से, फिर हमें वीकली टेस्ट दिया, वीकली टेस्ट देने से पहले आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर के ढूंढ कर हमारे साथ याद किए, तो आपका ये एक, आप देख रहे हो कितनी अच्छी तैयारी होगी, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, उसको याद किया, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके 10 ईयर में से देखे, तो एक चैप्टर रेडी हो गया। इसी तरह आपके 14 के 14 चैप्टर्स इतने अच्छे से रेडी होते जाएंगे ना कि आपको, मतलब यूट्यूब पे तो आप बेचारे खुद नहीं कर सकते हो ना इतना कुछ, मतलब आप लेक्चर देख लोगे, नोट्स कहाँ से बनाओगे, सही से नोट्स बना लोगे, टेस्ट किसको दोगे, टेस्ट कर लोगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो ये एक इसका फायदा होगा, एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बैच चलेगा कब से कब तक अगर आप जानना चाह रहे हो, तो ये हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, बहुत कम टाइम है आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। 1 अक्टूबर से ये जो अब नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 29 फरवरी होगी, 29 फरवरी तक, यानी कि 5 महीने में आपको बायोलॉजी तो आप साइड पे रख दोगे। मतलब मैं ये आपसे कहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ, आपको अगर आप रोज़ 1 आवर दे दोगे ना बायोलॉजी को रोज़, ठीक है, रोज़ का मतलब 5 डेज अ वीक आप 1 आवर रोज़ बायोलॉजी को दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप फुल मार्क्स गेन कर सकोगे। और एज़ यू नो कि बायोलॉजी में फुल मार्क्स गेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जाकर भी क्या करना होता है,
एमडी कैट की तैयारी करनी होती है, राइट। एमडी कैट की तैयारी के लिए आपको पता ही है कि बायोलॉजी में फुल मार्क्स गेन करना कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो सिर्फ 5 महीने की बात है, रोज़ मतलब इस तरह होगा कि आपको बिल्कुल स्पून फीड किया जा रहा है हर चीज़, देख रहे हो ना आप लोग। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है और वो फॉर्म आपको इस वक्त मिलेगा जब आप इस नंबर पर मैसेज करोगे, राइट। इस नंबर पर जाके आप अपना नेम, अपना फादर नेम और अपना क्लास और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर व्हाट्सएप नंबर जो आप ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हो, इस नंबर पे जाकर के आप मैसेज कर दो, ठीक है। इस नंबर पे जाएंगे आप मैसेज करेंगे तो फिर आपको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा जाएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है और आप आराम से रजिस्टर हो जाओगे। अच्छा, जो इसकी फ़ीस है ना बच्चों, वो वन टाइम पे है, लाइक ऐसा नहीं कि आपको हर महीने पे करने हैं 2000 4000, नो ऐसा नहीं है, वो फीस वन टाइम पे है। आपको हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन के लिए डेट ऑन कर देंगे 20 सितंबर से, आप 1 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा कर और ऐड हो सकते हो। मेरे पास जो लिमिटेड सीट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ 15 है, ठीक है। तो सिर्फ 15 सीट्स हैं मेरे पास, आपने क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल अपने आपको रजिस्टर करवा लेना है, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है ना बच्चों वो सिर्फ वन टाइम पे है और वो है 2500, राइट। ऐसा नहीं कि आपको अक्टूबर के शुरू में भी 2500 पे करने हैं नवंबर और दिसंबर, नो, आपको अक्टूबर के शुरू में 20 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ये फीस पे करनी है। डिटेल्स आपको इस नंबर पे मैसेज करके मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और फिर आराम से यू विल गेट एडेड इन द ग्रुप, जिस ग्रुप पे हम अपनी स्टडी से स्टार्ट करेंगे। ड्राइव का जो एक्सेस है वो सिर्फ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी फौरन जाकर इस नंबर पर अपने ये चारों चीज़ें और बच्चों एक ईमेल आईडी भी ऐड कर लो इसमें, सही है। तो ये पांचों चीज़ें ऐड कर लेनी है और उसके बाद हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। उससे पहले आप अपनी फीस जमा करवा देना, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वो बेचारे लोग जो कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते या जो हर महीने की ट्यूशन फीस अरेंज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वन टाइम पे करके बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड यू विल जॉइन, आई एम वेटिंग फॉर यू। पूरे लेक्चर्स मेरे पास रेडी पड़े हुए हैं, सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है, बस मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से। सिर्फ 15 सीट्स हैं मेरे पास और मैं बच्चों को ऐड नहीं कर पाऊंगी, उनको फिर नेक्स्ट बैचेस के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।